हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स एनएचपीसी यानी कि नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन हिमाचल प्रदेश की ओर से पार्वती जल विद्युत परियोजना स्टेज टू के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाली गई है इसकी लास्ट डेट रखी गई है पांच फरवरी दो -20. तो चलिए फ्रेंड्स डिटेल में डिस्कस करते हैं कौन कौन सी पोस्टर निकाली गई हैं और फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें तो देखिए फ्रेंड्स पार्वती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्टेज टू पार्वती कॉम्प्लेक्स नगवानी डिस्ट्रिक्ट मंडी हिमाचल प्रदेश देखिए नोटिफिकेशन फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एन एच पीसी लिमिटेड और मिनी रतन कैटेगरी वन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इनवाइस एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स हु आर डोमिस ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर अंडर गोइंग वन ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग फॉर द सेशन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू मार्च एंड ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री आगे देखिए देखिए सीरियल नंबर दिया है ट्रेड डिसिप्लिन एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज और ट्रेनिंग ड्यूरेशन और नंबर ऑफ सीट्स दी गई है देखिए आई टी आई अप्रेंटिसिप के लिए देखिए फीटर के लिए तीन सीटें जो हमें रखी गई हैं इलेक्ट्रीशियन के लिए ट्वेंटी सीट्स हैं सर्वेयर के लिए फोर सीट्स हैं प्लम्बर के लिए थ्री सीट्स हैं और कारपेंटर के लिए भी थ्री सीट्स हैं उसके बाद कोपा देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग हेल्पर के लिए ट्वेंटी सीट्स रखी गई हैं देखिए क्वालिफिकेशन इसमें देखिए पास आईटीआई इन रिलेवेंट डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन आईटीआई होनी चाहिए आपके इस सब्जेक्ट में और एज देखिए ये मिनिमम एटीन टू थर्टी इयर्स आगे देखिए डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप सिविल के लिए देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए बिलोंगिंग टू एन इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज बाई ए आई सी टी ई स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन फुल टाइम डिप्लोमा इन रेलिवेंट इंजीनियरिंग टेक्निकल एजुकेशन एज इसमें भी देखिए एटीन टू थर्टी ईयर्स है और इसमें ट्रेनिंग देखिए वन ईयर की ट्रेनिंग है, है और इसमें सिविल की देखिए सिक्स सीट्स अवेलेबल हैं और इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिकल के लिए इसमें फोर सीट्स हैं और देखिए ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप इसमें देखिए फाइनेंस एंड अकाउंटिंग उसके बाद देखिए ह्यूमन रिसोर्सेज और सी एस आर इनकी क्वालिफिकेशन देखिए टू ईयर फुल टाइम एम बी ए पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन रेलिवेंट सब्जेक्ट फ्राम रिकोगोनाइज इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी एज लिमिट इनकी भी एटीन टू थर्टी ईयर और ट्रेनिंग पीरियड है वन ईयर का इसमें देखिए सीट्स फाइनेंस और अकाउंटिंग के लिए एक सीट रखी गई है और ह्यूमन रिसोर्स के लिए भी एक सीट और सी एस आर के लिए एक सीट रखी गई है टोटल जो सीट्स हैं वो है सिक्सटी सिक्स सीट्स देखिए द रिलेक्सेशन इन मैक्सिमम एज लिमिट इज़ फाइव ईयर्स फॉर एस सी एस टी थ्री ईयर्स फॉर ओ वी सी नॉन क्रीमिलियर तो एस सी एस टी के लिए पाँच साल की छूट दी गई है एज लिमिट में और ओ बी सी के लिए थ्री ईयरस की छूट है उसके बाद देखिए फैन तो रिजर्वेशन देखिए रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एस सी एस टी एंड ओ बी सी बिल भी एज पर द प्रोविजन ऑफ अप्रेंटिक्स एक्ट नाइनटीन सिक्सटन एंड द रूल्स फ्रेम्ड देयर अंडर एज अटेंडेड टिल डेट अकॉर्डिंग टू विच एस सी टेन एस टी फाइव एंड ओ बी सी एटीन टोटल थर्टी थ्री सीट्स बिल बी रिजर्व कैटेगरी के लिए थर्टी थ्री सीट्स वो रिजर्व की गई हैं उसके बाद तो प्रेफ्रेंसल बिल भी गिवन एज अंडर प्रेफरेंस सबसे पहले किसके दी, किसको दिया जाएगा देखिए प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज ऑफ पार्वती स्टेज टू इलेक्ट्रिक पावर बिल भी गिवन फर्स्ट प्रेफरेंस पहला प्रेफरेंस उसको दिया जाएगा बे वाले परिवार जो इस पार्वती प्रोजेक्ट टू तो से जो प्रभावित हुए हैं उनको पहली प्रेफरेंस दी जाएगी उसके बाद देखिए पीपल ऑफ प्रोजेक्ट अफेक्टेड एरियाज ऑफ पार्वती टू इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एंड कुल्लू डिस्ट्रिक्ट बिल भी गिवन सेकंड प्रेफरेंस सेकंड प्रेफरेंस दिया जाएगा उस एरिया को जो वाला एरिया जो अफेक्टेड हुआ है जैसे कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट उसके बाद देखिए थर्ड प्रेफरेंस दी जाएगी पीपल ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश विल बी गिवन थर्ड प्रेफरेंस मंडी डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं उन्हें थर्ड प्रेफरेंस दी जाएगी उसके बाद देखिए पीपल ऑफ़ अदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश विल बी गिवन फोर्थ प्रेफरेंस और फोर्थ प्रेफरेंस दी जाएगी उन लोगों के लिए जो हिमाचल प्रदेश के अदर डिस्ट्रिक्स हैं अगर देखिए अवर मैंसन वैकेंसीज में इंक्रीज और डिक्रीज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट के हिसाब से मतलब ये जो वैकेंसीज निकाली गई हैं बढ़ भी सकती हैं या कम भी हो सकती हैं नेक्स्ट सीरी नंबर देखिए हाउ टू अप्लाई द कैंडिडेट मस्ट गो थ्रू द टर्मस एंड कंडीशन एज मैंसड इन द नोफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट हैव वैलड आधार नंबर मोबाइल नंबर ई मेल आई डी बिफोर अपलाइंग अप्रेंटिशिप आई टी आई पास कैंडिडेट शुड रजिस्टर्ड दैम सेल्व एन अप्रेंटिसिप पोर्टल एट ये जो साइट दी गई है इसमें आप रजिस्टर्ड होने चाहिए आई टी आई कैंडिडेट जो भी हैं एंड अपलाई थ्रू दिस पोर्टल और इसी पोर्ट से आपको अपलाई करना होगा प्रोस्ट पोस्ट ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा होल्डर शुड रजिस्टर्ड डैम सेल्व ऑन और जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होल्डर्स जो कैंडिटेट हैं वो इस साइट के ऊपर उन्होंने रजिस्टर्ड करना है और यहीं से वो अपलाई भी करेंगे उसके बाद देखिए द कैंडिडेट हैज़ टेक प्रिंट आउट ऑफ रजिस्ट्रेशन अप्लाइड एट पोर्टल एंड सेंड अलोंग विद ऑल सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन मार्कशीट एंड सर्टिकेट्स डोमेस्टिक सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड मेंबर ऑफ ऑफ प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिली कॉपी ऑफ आधार कार्ड पैन कार्ड तो यानी कि फिल करने के बाद उसकी जो हार्ड कॉपी है वो आप निकालने के बाद अपने सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अटैच करने के बाद ये जो एड्रेस दिया गया है इसके ऊपर आपने पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा भेजना है या फिर बाय हैंड भी आप इसको पांच फरवरी 2022 से पहले पहले जमा करवा सकते हैं तो फ्रेंड्स ये थी लेटेस्ट नोटि, नोटिफिकेशन पार्वती जल विद्युत परियोजना चरण टू मंडी हिमाचल प्रदेश की ओर से आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई भी थैंक यू फॉर वॉचिंग